नमस्कार, मैं पवन कुमार राठौर। आपको पता है जैसा कि पूरे देश में या पूरे विश्व में वैश्विक महामारी जो चली हुई है उसको देखते हुए बहुत सारे गांवों ने सैनिटाइजरी अभी भी करवा रहे हैं अपने अपने गांवों को, और वहां पर लोगों को बताया भी जा रहा है घर घर में जाकर कि आपको किस तरह से सुरक्षित रहना है, ये सारी चीजें वहां पर समझाई जा रही हैं। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये सेलंग गाँव की है, वहां पर जाकर आशा वर्करों ने ये लोगों को चेक भी किया और सैनिटाइजरी करवाया। गाँव गोमली की आप तस्वीर देख रहे हैं, महेंद्र सिंह ने यहाँ पे सैनिटाइज करवाया इस गांव को। मैं आपको दूसरी तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं ये है गांव सुंदरे की, जो यहाँ पर सुरेश प्रधान उन्होंने सैनिटाइजर करवाया, और इसके साथ साथ में डीसी के सख्त आदेश के बावजूद देखने को मिला गांव में नाके लगे हुए हैं। डीसी के आदेश की पालना करते हुए बहुत सारे गाँव में नाके लग चुके हैं। मनोज जी, मुझे ये जो इस वाटिका में जो व्यवस्था कर रखी है मुझे बहुत पसंद आई, और यहाँ जो मजदूर तबके के जो लोग ठहरे हुए हैं उनसे मैंने बात की है, वो सभी बात पर संतुष्ट हैं, उनको अच्छा भोजन मिल रहा है और वो ठीक प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं। हमने इनको यही कहा है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 14 तारीख तक जो लॉकडाउन किया हुआ है उसको पूर्ण रूप से उसको निभाएं, और 14 तारीख तक लॉकडाउन में रहें। अलग से अपने जो यहाँ बैठे हैं ये एक एक दो दो मीटर के बिछे पर बैठे हैं, और इनकी भोजन की व्यवस्था भी यहाँ ठीक हो रही है, और सभी बातें सुचारू रूप से जान सकती हैं। मैं अटेली जो राधा कृष्ण मंदिर में जो वहाँ पे भोजन बन रहा है वहाँ पे भी बहुत अच्छी वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, और मैं भोजास गया था वहाँ भी व्यवस्था अच्छी कर रखी है। अटेली में एक दूसरी जगह एक कॉलेज के पास नए बस अड्डे के पास एक जगह है, वहाँ पर भी भोजन बन रहा है, और मोटरसाइकिलों पर कार्यकर्ता उनके जो जहाँ डेरे में रहते हैं मजदूर वहाँ पे भेज करते हैं, बाकी कुछ मजदूर वहाँ से खुद मतलब अपना भोजन लेके जाते हैं। नहीं, मैं अटेली और करीना और भोजावास तीन जगह में है। सभी गांवों में नाकाबंदी है, और हमारे यहाँ की अटेली और करीना की पुलिस बड़ी सक्रिय है, और दोनों SHO जो अटेली और करीना के जो SHO हैं बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और मैं इनके काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्षेत्रवासियों का तो मेरी तरफ से यही संदेश है, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान कर रखा है 14 तारीख तक लॉकडाउन में रहें, बाकी का जो आदेश आगे जो जैसा भी होगा वैसा हम निभाएंगे। हाँ, 9 बजे प्रधानमंत्री जी ने अपील कर रखी है पूरे देश से, 9 बजे से सभी घर की लाइटें बंद करके और अपने 9 मिनट तक दीपक मोमबत्ती टॉर्च या मोबाइल की लाइट ये जलानी है, 9 मिनट तक सभी घर की लाइटें बंद करके, और ये पूरे देश में एकता का संदेश देना है कि पूरा देश 9 बजे से लेकर 9:09 तक ये काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।